हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग स्टेप एंड प्रेजेंटेड बाय आशा शर्मा। और आज जैसे कि आप देख सकते हो, आपको थोड़ा सा कंटेंट से भी पता चल रहा होगा, ये तो ग्रामर से रिलेटेड है। तो यस, इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रामर। फिर से मैं इन दिनों कुछ आपको चैप्टर्स की सॉल्विंग एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वीडियो में। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी जो थी समरी, वो लिटरेचर में जो चैप्टर हैं, कंटेंट हैं, उसकी समरी की मैंने वीडियो बनाई थी। बट अभी मेरे पास थोड़ा सा कंटेंट है जो ग्रामर का है, तो मैं ग्रामर के चैप्टर्स की एक्सरसाइज को वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी कैसे आप खुद भी एक्सरसाइज फिल कर सकते हैं। तो ये है चैप्टर हमारा 6, क्लास 4th, नाउन्स। तो इसमें हमें नाउन फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये क्लास 4th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो उनके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें है एक्सरसाइज ए, क्या पूछा है इसमें, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक समझाती हूँ। नाउन क्या होता है, कोई पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं नाउन। जब भी हम किसी इंसान को या किसी जगह को या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, वो सब नाउन होते हैं। अब इसमें आता है, वैसे इतना डिफाइन नहीं किया है, तो बस हमें यही देखना है एक्सरसाइज ए में कि पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, अगर है तो वो नाउन है। ये एक्सरसाइज ए में है, क्या पूछा है इसमें, एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें नाउन सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करना है, ऐसे वर्ड अंडरलाइन करने हैं जो नाउन है। फर्स्ट है माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, तो फ्रूट और मैंगो क्या है, ये हमारे नाउन है। अब मैं इसको डिफाइन करूँ काइंड्स ऑफ नाउन में, तो मैंगो हमारा एक प्रॉपर नाउन है और फ्रूट हमारा कॉमन नाउन है। तो हम इतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम नाउन देखेंगे, चाहे वो कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, डजंट मैटर। सेकेंड है कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, सो कैमल, शिप एंड डिजर्ट, ये क्या है, नाउन है। Bring a cup of tea. Cup and tea is noun. There is a rainbow in the sky. Rainbow and sky are the noun in sentence 4. 5. This shirt is nice. So shirt hamari noun hai. He loves to play with ball. So ball kya hai? Noun hai. Ek cheez hai na? 7. I bought bread, butter, eggs, some fruits. तो यहाँ पे ब्रेड, बटर, एग्स, फ्रूट्स, इस सेंटेंस में हमारी 4 वर्ड नाउन है। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर एंड टीचिंग नाउन है। ठीक है, तो ये हमारी होती है एक्सरसाइज ए कंप्लीट। हमें नाउन को फाइंड करना था तो हमने फाइंड किया। अब एक्सरसाइज बी में क्या पूछ रहे हैं भाई, स्ट्रिक ऑफ द वर्ड विच इज नॉट ए नाउन। ओके, यानी कि हमें ओड वर्ड देखना है कि वो नाउन है या नहीं है। फर्स्ट है इसमें क्या नाउन नहीं है, बीच, सैंड स्केटर, सन, बिकॉज, सी, ये सब ही हमारे बीच से रिलेटेड है, बस बिकॉज नहीं है। तो बिकॉज हमारा एक ओड वर्ड है, यानी कि नाउन नहीं है। इसमें हमें वो वर्ड देखना है, बाकी इसमें आपको 4 वर्ड सिमिलर मिलेंगे, यानी कि 4 वर्ड आपको नाउन मिलेंगे, एक वर्ड आपको नाउन नहीं मिलेगा। तो जो नाउन वर्ड नहीं है उसको हमें अंडरलाइन या सर्कल, एज यू विश, जो भी आपको ठीक लगे। नंबर 1 में बिकॉज नाउन नहीं है, तो बिकॉज में अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2 में सिट, सिट इज नॉट अ नाउन इन द सेक्शन 2, दैट्स वाई अंडरलाइन विथ सिट। 3 में राउंड, राउंड नाउन नहीं है, तो राउंड के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। 4 में है रीड, रीड नाउन नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस 4। इट मीन्स टू से सेल नंबर 4 में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें रीड वर्ड नाउन नहीं है। 5 में ओवर वर्ड नाउन नहीं है, तो हम ओवर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। 6 में टेस्टी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये नाउन नहीं है। 7 में रन, रन के नीचे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये नाउन नहीं है। 8 में सेफली, सेफली के नीचे अंडरलाइन, क्योंकि ये भी नाउन हमारा नहीं है। तो एक्सरसाइज बी में क्या करना है हमें, इसमें हमें पहले वो वर्ड देखना है जो बाकी के 4 वर्ड से मैच भी नहीं कर रहा है,
क्योंकि चार वर्ड हमारे क्या हैं, नाउन हैं, और एक वर्ड नाउन नहीं है, तो बस वही वर्ड देखेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो देखिए हो गए ना कितने इजी तरीके से एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी सॉल्व। अब चलिए हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज सी, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट एंड द एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन फॉर्म्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। देखिए हमें क्लू बॉक्स भी दिए हैं भाई, देखिए मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन आप आंसर तो खैर देख ही रहे हैं भाई, जब वीडियो देख रहे हो तो आप आंसर तो देख ही रहे हैं, लेकिन सुनिए भी कि क्या होगा और क्यों होगा, ठीक है। फर्स्ट है डैश गिव्स अस वूल, हमें वूल कहाँ से, कौन देता है, कहाँ से प्रोवाइड होती है, तो वूल हमें मिलती है शेप से, तो हम शेप में वन रखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे शेप, शेप गिव्स अस वूल। सेकेंड है वी सा डैश एंड डैश इन टू द जू, हम जू में क्या देखते हैं भाई, हम तो जू में एलिफेंट्स भी देखते हैं, हम जिराफ एनिमल्स देखने तो जाते हैं, तो एलिफेंट एंड जिराफ, तो ये हम एनिमल्स जू में देखते हैं। थर्ड है द डैश इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या है, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो हम थ्री में लिखेंगे रेड फोर्ट। फोर है आवर क्लास वेंट टू डैश ऑन ट्रिप, कि हमारा जो क्लास है वो ट्रिप पे कहाँ गया था, साइंस सिटी, तो यहाँ से जो आपका क्लू बॉक्स है ना, यहाँ से हम फोर में लिखेंगे साइंस सिटी। फाइव है आगरा लाइज एट द बैंक ऑफ डैश रिवर, सबको पता है आगरा के पीछे कौन सी रिवर है, यमुना, तो हम यहाँ से देख के यमुना पे लिख देंगे कि नंबर फाइव में यमुना। सिक्स है सा ए लिटिल डैश, क्या देखिए, बटरफ्लाई, तो सिक्स में क्या आएगा, बटरफ्लाई। देखिए यहाँ पे क्लू बॉक्स है, अगर आप चाहें तो क्लू बॉक्स में भी इसके अकॉर्डिंग फेल कर सकते हैं। हनी बीज मेक डैश, हनी में क्या बनाती है, हनी। लास्ट है डैश इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ब्यूटिफुल फ्लावर क्या होता है, रोज। तो ये थी हमारी एट इसमें सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में, जो कि हमें क्लू बॉक्स से या हेल्प बॉक्स से करेक्ट वर्ड को फाइंड करके यहाँ पे लिखना था। तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बेसिक भी है, थोड़ा जनरल नॉलेज बेस भी है कि भाई हमें पता है हमें वूल कहाँ से मिलता है, हम जुमे कहाँ जाते हैं, और फिर वैसे एनिमल्स भाई हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन क्लू बॉक्स में कौन कौन से एनिमल्स है वहाँ से देखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज लास्ट सी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नाउन क्या होता है, और एक्सरसाइज फिलिंग के साथ साथ आप इस कंटेंट को समझ पाए हैं, दैट इज़ द वेरी गुड साइन एंड वेरी गुड थिंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड हैव अ गुड डे।